हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गार्डनिंग में एकदम व्यस्त होंगे फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो मेरे टेरेस गार्डन के प्लांट्स हैं, उन सभी से मुलाकात करेंगे आफ्टर गुड रेन, मतलब अभी अच्छी बारिश हो रही है और ये सारे मेरे प्लांट्स एकदम खुश है, तो इन्हें देख के हम भी खुश हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग इसी रो से करते हैं। चलिए, तो जैसे कि इधर है हमारे पास ये जेड प्लांट जो कि अच्छे से फ्लरिश कर रहा है। इधर है हमारा प्यारा सा ड्रेसिना जिसके पिगमेंट्स देखिए एकदम ऐसे वाइब्रेंट आ रहे हैं, मैजेंडा या फिर आप बोल सकते हो डार्क पर्पल कलर के अंदर, बहुत ही प्यारे आ रहे हैं इसके लीव्स। धीरे धीरे नए नए लीव्स आ, देखिए जो पुराने हैं श्रेड हो रहे हैं, नए वाले धीरे धीरे आ रहे हैं। और हमारी ये मॉस रोज तो अभी रेडी है फ्लावरिंग के लिए, देखिए इनके अंदर भी बड्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। ये है हमारा रेस्नोवा या फिर इसको लेपर्ड लीफ ऐसे भी बोलते हैं। इधर है हमारा ब्रह्म कमल जिसका एक रिसेंटली फ्लावर भी आया था, मैं शॉर्ट पे अपलोड कर दूंगा इसका भी। और ये एक्चुअली ना परसों ही खिला था, ये जो ब्रह्म कमल है ना बहुत प्यारी तरीके से, मतलब इतना अच्छा फ्रेग्रेंस आया ना इसका, पूरे इसमें फैल गया था, इतना अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा था इसका। करेक्ट 11 बजे वैसे खुला था। और इधर है हमारा सिंगोनियम या फिर इसको थ्री हेड प्लांट भी बोलते हैं, जो कि देखिए बारिश के अंदर कितना प्यारा तरीके से अपना एक एक फॉलीज को देखिए कितना अच्छे तरीके से आ रहा है, अच्छा ग्रोथ भी हो रहा है इसके अंदर। ये है पर्पल हार्ट। इधर चलते हुए हमारे पास है ये वाला एक प्लांट, आई थिंक ये ड्रेसिना का ही एक वेराइटी है या फिर ये दूसरा वेराइटी है, मुझे प्रॉपरली पता तो नहीं है। ये है हमारा ब्रायोफाइलम या फिर आप इसको मदर ऑफ थाउजेंड ऐसे भी नाम से जाना जाता है। पर्पल हार्ट जिसके कलर्स जिसके पिगमेंट से ही ये पूरा गार्डन एकदम वाइब्रेंसी से भर जाता है। इधर है हमारे पास छोटा सा एक एडेनियम जो कि मैंने एक सीड से उगाया था, ऑलमोस्ट इसको 5 मंथ्स हो गए थे, अभी अच्छे से ग्रो कर रहा है। इधर हमारे पास सेम सिंगोनियम के अंदर एक पिंक वैरायटी जिसके पीछे के लीफ के अंदर मिंट ग्रीन है, आगे का पिंक है, बेबी पिंक है। ये है हमारे पास सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये ड्रेसिना जिसके मैंने ऐसे प्रूनिंग कर दिया था ताकि मेरे को दो ऐसे नोट्स आ जाए। और इधर हमारे पास है ये मॉस रोज जो वाइट कलर का होता है, अभी धीरे धीरे फ्लावर्स के सीड्स बन रहे हैं, मेरे को अभी फ़िलहाल तो नहीं चाहिए, बस फ्लावरिंग अच्छे से करें। ये है हमारा डेविल्स बैकबोन का एक प्लांट, नाम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका, क्योंकि देखिए इसके जो नोट्स होते हैं ना ऐसे दिखते हैं कि एक हड्डी का बैकबोन है ऐसे कुछ। तो ये हमारा गिलोय जो कि मैंने रखा है ऐसे ही, अच्छे से बड़े होने के बाद इसको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे बड़े पॉट में। इधर है हमारा जेड, देखिए बारिश में ना एक चीज़ होती है कि ये वीड सूख जाते हैं जो कि आपके मेन प्लांट को ना उगने नहीं देते, तो आप क्या करिएगा टाइम से टाइम इन्हें पूरा निकालते रहिएगा, वरना आपका जो मेन प्लांट होता है उसको ये ख़राब कर देगा। और इधर है हमारा मेन मदर ऑफ थाउजेंड का एक मैच्योर प्लांट जो कि बहुत दिनों से है, इतना हाइट हो गया है और इसके बेबीज़ देखिए अच्छे से आ गए हैं। ये है हमारे पास सेंसिवेरिया या फिर स्नेक प्लांट के अंदर 3 वेराइटी, ये तो एक सिल्वर मून है, एक नॉर्मल ग्रीन है और ये पूरा येल्लो वाला है। इधर तो मैंने ऐसे ही पॉट्स रखे हैं जो कि मैं अभी डालूंगा प्लांट्स अगर जो भी मुझे मतलब एक 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 ऐसे मिलते जाएंगे। और इधर है हमारे पास मॉस रोज पिंक और रेड तो आ रहे हैं धीरे धीरे, इनके अंदर भी सीड्स बन रहा है जो कि निकालना है अभी, जो ये सीड्स रहता है ना फ्रेंड्स आप क्या करिए इनको निकालते रहिएगा ताकि आपका मेन जो प्लांट है उसका फोकस फ्लावरिंग पे रहे ना कि सीड्स बनाने में, जैसे इसके अंदर भी ऐसे ही हो गया है। देखिए ऐसे सीड्स बन जाते हैं ना तो अपना पूरा प्लांट इसके अंदर ही एनर्जी वेस्ट कर देता है। और इधर भी खाली पॉट्स है, इधर है ये इंसुलिन प्लांट, पीछे का साउंड को इग्नोर करिए क्योंकि ये मैं जा रहता हूँ, ये मेन प्लेस है, शोर तो आएगा ही इधर। ये है हमारा प्यारा सा रियो जिसका पीछे का कलर एकदम वाइब्रेंट पर्पल पे होता है। और ये है हमारा एरेका पाम जो कि ये भी अच्छे से कर रहा है। इधर है हमारा स्पाइडर लिली, रिसेंटली इसका भी एक अच्छा सा फ्लावरिंग हुआ था
और ये जो ब्रह्म कमल है मैंने इसको मतलब नीचे ऐसे क्या होता है फ्रेंड्स, ऊपर तो नहीं आ सकता हूँ मैं, मतलब रात के 12 बजे वैसे, तो इस वजह से मैंने इसको नीचे घर के एंट्रेंस पे लगाया था ताकि वो फ्लावरिंग मैं कैप्चर कर सकूँ आप लोगों के लिए। मैंने एक वीडियो भी कर दिया है, मैं आपको अपलोड भी कर दूंगा उसको। और ये अभी फ़िलहाल इसके क्या बोलते हैं, ग्रास हॉपर तो खा रहा है लीफ को, अभी थोड़ा नीम ऑयल स्प्रे करना पड़ेगा मुझे। पर्पल हार्ट, और ये है हमारे पास रजनीगंधे का 2 पॉट, ये है चंपा, और ये है हमारा नाग चंपा जो कि इसके पत्तों के शेप ही देखिए एकदम ऐसे स्नेक की तरह, नाग नाग चंपा इसलिए बोलते हैं इसको। बट इसके इसके अंदर क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स, इसके अंदर ना फ्लावरिंग के टाइम ऐसे फ्रेग्रेंस नहीं आता है इसके अंदर आता है। और ये है हमारे पास एमरस लिली, ये वाला एमरस लिली है, और बाकी के तो सारे ऐसे लिली प्लांट्स ही है इधर। तो ये हमारा पर्पल हार्ट, और ये हमारा प्यारा सा जेड प्लांट। प्लांट तो क्या है इसको मिनी बॉन्सेई ही बोलेंगे, क्योंकि देखिए मैंने इसको ना 3 ईयर से ट्रेन करके रखा है, और आप देख सकते हो कैसे इसके मतलब रूट्स का कितना ब्यूटीफुली आया है इधर। देखिए बाहर ऐसे दिख रहा है कि नेचुरली एक रूट का ही पार्ट हो, है ना, बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है। और एक घोड़ा, ये जो हॉर्स है इसके नीचे शेड के नीचे है अभी, डेविल्स बैक बोन, इधर सारे हमारे स्नेक प्लांट्स। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था फ्रेंड्स, होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ कंसिडर करिए सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ आपको ना सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप भी अच्छे से गार्डनिंग करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स।